इंडियन होटल्स देखिए, इंडियन होटल्स में रिसेंटली काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, क्योंकि हमने भी देखा है कि जो कोरोना से रिलेटेड जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उनमें काफी रिलैक्सेशन मिला है। और जैसे कि हम बात करें तो शायद संडे को पूरे कंट्री में ही 1500 से भी कम केसेस आए थे। तो ये सब जो इवेंट्स हैं वो जो ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री है इसके लिए पॉजिटिव है। और इंडियन होटल्स अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी, तो ओवरऑल ट्रेंड इसमें पॉजिटिव है। अगर नीचे आपको कोई भी डिप्स मिलता है तो आप बाय करेंगे, इसमें प्रेजेंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें अपसाइड टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 270 280 का, और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसमें 225 का। ठीक है, तो ये रहा है सर करंट लेवल्स पे बिल्कुल एंट्री कर लूं 240 पे और पूरी एंट्री करूं 100% या पार्ट में? इसमें अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो बेटर रहेगा आपका अपनी पार्शियल एंट्री करंट लेवल पे कर लीजिए। और अगर नीचे आपको डिप मिलते हैं 220 का या फिर 215 का, तो वहां पे आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हो। ठीक है, टारगेट्स क्या होंगे अगर 2 से 3 महीने का मेरा नजरिया है तो? इसमें आपको 280 से 290 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो ये राय है इंडियन होटल्स पे किन लेवल्स पे और कहां तक का टारगेट है, सारी चीजें सर ने बता दिया।